हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास ये तीन बल्ब्स हैं। आप सब भी एलईडी बल्ब्स यूज़ करते होंगे घर, बट जब वो ख़राब हो जाते हैं आप सब भी उनको फेंक देते होंगे और एक नया बल्ब ले आते होंगे। सो फ्रेंड्स, और जो नया बल्ब होता है वो 100 to 150 rupees का होता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप आपके पुराने एलईडी बल्ब्स को बहुत ही कम कॉस्ट में, मतलब 20 rupees में कैसे सही कर सकते हैं। ये इससे आपके पैसे भी बचेंगे और ये बहुत इजी भी है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने ये तीन एलईडी बल्ब्स लिए हैं। हम इन सबको तो सही नहीं करेंगे, हम बस एक को ही सही करेंगे। इसको हमने सही किया हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे सही करना है। इनको पहले मैं रख देता हूँ बल्ब में। तो फ्रेंड्स, इस बल्ब को रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए एलईडी DOB। ये देखिए, हमने यहाँ पे लगाई है। DOB का मतलब होता है डायरेक्ट ऑन बोर्ड, और कुछ लोग इसको ड्राइवर ऑन बोर्ड भी बोलते हैं। इसको डायरेक्ट ऑन बोर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको इसके ना कोई दूसरा सर्किट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको ऐसी AC पावर से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सर्किट के साथ आपको दो और कंपोनेंट्स लगाने होते हैं जो आप आपके ख़राब एलईडी बल्ब में से निकाल सकते हैं। वो है एक MOV और एक रजिस्टर। इसके बारे में डिटेल्स मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप बिना इन दो कंपोनेंट को भी के भी इसको चला सकते हैं, बट ये दो कंपोनेंट इसलिए लगाने जिससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है और ये ज़्यादा टाइम तक चलता है, इसलिए हम ये दो कंपोनेंट लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये DOB आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और ऐसे आपके पास की इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे भी मिल जाएंगी। ये बट अगर आप इन ज़्यादा ख़रीदेंगे तो वो आपको 12 to 15 rupees में मिल जाएंगे, और अगर आप सिर्फ एक सिंगल DOB ख़रीदेंगे तो वो आपको 20 to 25 rupees में एक मिलेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने वाइट DOB यूज़ की है। ये दूसरे कलर वाली या फिर RGB वाली भी आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके कनेक्शन बिल्कुल इसके ऐसे ही होते हैं।
आपने इस वीडियो में कुछ सीखा होगा, लर्न किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये बल्ब हमने 12 वाट का ड्यूब लगा के सही किया है और इसकी कॉस्ट आई है 20 रुपीज़।